हेलो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल दार्जिलिङ सुरज राइडर। र आज हामी यहाँनिर मिटिङमा आएको थियौँ र मिटिङको अब मिटिङ त सकिसक्यो र मिटिङ सकेर जब हामी हाम्रो सानो प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राम चाहिँ कहाँ छ भन्दा सानो धोत्रेसम्म हामी राइड गर्नेछौँ र त्यहाँ जग्गा खोजमा तपाईँलाई आज भिडियो देखाउनेछु र स्टे ट्युन्ड विथ माई च्यानल दार्जिलिङ सुरज राइडर। हाम्रो यहाँ लन्च भइसक्यो र आज हाम्रो मिटिङ थियो र मिटिङले गर्दा अब हामी मिटिङ सक्यो र अब चाहिँ सानो हामी सर्ट राइडको लागि जान आँटेको छौँ र म सर्ट राइडको भिडियो लिएर आउँदैछु। स्टे ट्युन्ड विथ दार्जिलिङ सुरज राइडर। अब सुरज शर्मा ब्लग भनिदिँदैछ है दादा, सुरज शर्माको ब्लग हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर एकदम दादा त्यो चाहिँ ए सबैजना हामी भेला भएको छ आज मिटिङको लागि र सबैजना हिँड्नु लागि रेडी हुँदैछ। यहाँ सबैजना छ है। हेलो दा, हेलो पवन भाइ, यहाँ ब्लगको लागि सबैजना यहाँ लाग बजा बाइकको मोडिफिकेसन हेर्नु होला। बाइक हो हाम्रो पवन भाइको, चाहिँ लाग बजा नयाँ हेलमेटमा सबजना रेडी हुनुहुन्छ अब हिँड्नु लागि। जब हामी एकछिन घुम्नु गएको मिटिङ सक्यो र अब सबैजना निस्केको अब हामी सो गाइज आज चाहिँ हामी धोत्रे जाँदैछौँ र धोत्रे चाहिँ यहाँबाट रङ्गलोरा जान्छौँ। सो आज हामी सबैजना राइडर्सहरू छौँ र वेदर त बिग्रिँदैछ तर पनि हामी जानेछौँ। हाम्रो दादा तेन्जिङ दा कुनै के गर्दैछ हाम्रो दादाले गएको हो त्यो ओह्रालो। र आज चाहिँ हामी धोत्रे लागिसकेको छौँ, त्यहाँनिर म तपाईँहरूलाई अलिकति भिडियो गरेर देखाउने छु। र मैले तपाईँलाई कन्टिन्युएसन भिडियो राखिरहेको छु, अन्त रहनु होला। सो गाइज दिस इज माई कन्टिन्युसन ब्लग। सो आज जा रहे हम धोत्रे की ओर और धोत्रे कहाँ पड़ता है, रंगुल से थोड़ा नीचे एक रास्ता जाता है और वहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और आज वहाँ का ब्लॉग लाएंगे। और देखिए कितना नीचे है, स्टिफ डाउन, लेकिन राइडर्स है क्या करे, चलना पड़ता है ब्लॉगिंग करते हुए एंजॉय करते हुए। और ऊपर वेदर था बारिश जैसा और यहाँ पे वाह वेदर का क्या कहना, खुलता हुआ वेदर। सो लास्ट टाइम हम यही रास्ता से मिलिंग भी गए थे यही रास्ता होते हुए और आज फिर राइडर्स के साथ है क्योंकि आज हमारा मीटिंग था। तो मीटिंग के बाद थोड़ा शॉर्ट राइड के लिए हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको व्यू दिखाएंगे कैसा है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो आइएगा और इंजॉय कीजिएगा। चलिए बाइकर्स देखिए एक साथ मेरे आगे है तेंजिंग दा अपना इंटरसेप्टर पे और आगे पे है कमल दा, उससे आगे है सुशांत दा और प्रणाम भी है, सभी लोग नीचे जा रहे हैं और हमारा दादा अभी प्रवीण दा भी आगे और कमल दादा का फोन आ गया शायद इसलिए रुक गए। रास्ता देखिए कितना नीचे है। अरे डॉगी डॉगी भूखता हुआ, ओए डॉगी, ओहो ओ
वन किलोमीटर सिर्फ लिखा है, क्या है 1 किलोमीटर पता नहीं। देखिए रास्ता, देखिए ओहो, जय भोलेनाथ, भोले शंभु का मंदिर यहाँ भी है, देखिए जय भोलेनाथ, जय हो शंभु। सो चलिए अभी नीचे चलते हैं। और ये है शॉर्ट राइड गाइस, और आप लोग को अगर घूमना है दार्जिलिंग पे तो यहाँ भी आ सकते हैं, और यहाँ से मिलिंग भी पहुँच जाएंगे आप, जहाँ पे मैंने इको टूरिज्म का ब्लॉग किया था पहले, और उसका लिंक मैं अपना वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप मिलिंग का वीडियो देख सकते हैं। और आज हम जा रहे हैं धोत्रे। वाव क्या ब्यूटीफुल रास्ता है, देखिए रास्ता, देखिए रास्ता, टर्निंग पे देखिए रास्ता। और यहाँ पे है एग्रीकल्चर फार्म लिखा हुआ है बोर्ड में, सभी चलते हैं नीचे। ओहो कितना नीचे, देखिए अपहिल डाउनहिल का राइड करना है तो आपको आना पड़ेगा दार्जिलिंग। ओहो अब बाइकर्स का जिंदगी यही है, घूमो घूमो और घूमो, स्कूल अहेड है, आराम से चलिए, लेकिन आज तो संडे है। ओह बम्पर, और ग्रुप में जब हम चलते हैं तो वीडियो करने के लिए हम बैक में ही रहते हैं या कभी कभी आगे निकल जाते हैं। चलिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे। नीचे मिलिंग गए थे और आज जाएंगे धोत्रे यहाँ से। सो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग। ओह चलो ऑफ रोडिंग, अब ऊपर, अभी आ रहे थे नीचे अब फिर जा रहे ऊपर। यही है राइडर्स का लाइफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखिए सो डेंस जंगल पहुंच गए हम तो गाइस, बहुत ही डेंस, उतना भी डेंस नहीं। ओके सो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे तो मेरा ब्लॉग का एंजॉय कीजिए, और आपका लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत 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 अहमियत रखता है। सो इसलिए लाइक कमेंट कीजिएगा। हेलो 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 हेलो। सो यहाँ पे भाई लोग, सो हम जा रहे हैं डेंस फॉरेस्ट के ओर, चलें। अरे बाबा हम पहुंच गए अपने डेस्टिनी, देखिए वाह क्या जगह है, वाह आप लोग अगर देख रहे हैं तो देखिए दूर तक जगह ही जगह दिख रहा है, जितना देखिए उतने दूर तक जगह जगह, वाह ये देखिए लाइफ, जहां तक देखेंगे सिर्फ मैदानी मैदान नजर आ रहा है आपको, और मैं बाइक घुमा रहा हूं ऐसे जैसे कि जगह। ओ चलिए ऊपर चलते हैं, वो देखिए दूर, ओ आज वेदर थोड़ा खराब है, ऊपर का व्यू कितना अच्छा आता, फिर भी मैं दिखाऊंगा आप लोग को व्यू, उससे पहले यहाँ ऊपर जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम आपको पता है, हेलीपैड पे। ओहो जगह देखिए, वाह क्या जगह है,
गाइस देखिए यहाँ से ऊपर से ओह ब्यूटीफुल नज़ारा, क्या ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे। और वेदर थोड़ा ख़राब है, और भाई लोग देखे नीचे, ओह आ रहा है नीचे, वाओ लोग आ गए ऊपर। सो गाइस अभी हूँ मैं यहाँ पे, ये है धोत्रे। सो घूमने आए थे थोड़ा, सो मीटिंग तो ख़त्म हो गए, मीटिंग ख़त्म के बाद यहाँ पे थोड़ा देखने के लिए आए थे कि कैसा है यहाँ का जगह और व्यू, उसके लिए आए थे। आप लोग को कैसा लगा ये जगह, सो काइंडली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ से मैं थोड़ा आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए व्यू, देखिए इतना बढ़िया व्यू है, थोड़ा फगी है लेकिन फिर भी देखिए, ओ सब पर्वत देख रहा है यहाँ से, पहाड़ी पहाड़, जहाँ तक देखेंगे पहाड़ी पहाड़ देख पाएंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा। सो ये देखिए ब्यूटीफुल प्लेस। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं दूसरा जगह नीचे पे देखने के लिए कि मैदान कहाँ तक फैला हुआ है। ओह देखिए कितना दूर तक मैदानी मैदान दिख रहा है, चलिए थोड़ा आगे तक जाके आते हैं। ओह ब्यूटीफुल, बहुत दिन हुआ था राइड नहीं किए हुए। और ये देखिए जगह, देखिए क्या ब्यूटीफुल जगह, ओह ब्यूटीफुल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल जगह, ब्यूटीफुल। रास्ता ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। दामी जग्गा रहेछ र मलाई जग्गा मन पर्यो, र परसम्म देख्नुहुन्छ तपाईँले यो जग्गा ओभरै दामी रहेछ। म त आज युट्युबर घुम्न आएको दादासँग आफ्टर मिटिङ, र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, र मेरो पछाडि हेर्नुहोस् जग्गा परसम्म जग्गा हेर्नुहोस् ब्युटिफुल। वो देखिए जो दिख रहा है वो रास्ता से आए थे हम आते वक्त, ब्यूटीफुल। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। और गाइस देखिए कितना बढ़िया मैदान, यहाँ से आए थे हम, अब चलो इधर से जाते एक बार, यहाँ भी क्या देखते हैं। ओह एक ही रास्ता है निकलने का, वन वे, ब्यूटीफुल। लाल मिट्टी अगेन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जहाँ देखो मैदान ही मैदान नजर आ रहा,
आज का ब्लॉग भी हो गया, और आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दार्जिलिंग सूरज राइडर आपका भाई को साइन आउट करने का इजाजत दीजिए। और आज के लिए इतना ही, दार्जिलिंग सूरज राइडर साइनिंग आउट फ्रॉम धोत्रे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बस यही है, चलिए।